नमस्कार, साथिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून पर एनडीए के सबसे बुजुर्ग नेता और दिग्गज अकाली सियासतदान पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिए बिना इशारों में खुलकर कहा, अगर आपको सरकार चलाने में कामयाब होना है तो अल्पसंख्यकों को और अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना ही होगा। सभी देशवासी खुद को एक परिवार का हिस्सा मानते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। बादल ने कहा कि संविधान में लिखा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन होगा। धर्मनिरपेक्षता के पवित्र सिद्धांतों से छेड़छाड़ हमारे देश को कमजोर कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लगाए गए पीएसए के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अब्दुल्ला पर लगाए गए पीएसए पर 2 मार्च तक जवाब मांगा है। बता दें, अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और अब हाल ही में उन पर पीएसए लगा दिया गया है, जिसके तहत बिना कोई मुकदमे के भी किसी व्यक्ति को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिसके खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की थी। बता दें, नागरिकता कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है और लोग इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान की देरी पर टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई है। एजीआर मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? टेलीकॉम कंपनियों के एमडीज को नोटिस जारी कर कोर्ट ने तलब किया है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि क्या इस देश में कानून नहीं बचा है, बेहतर है कि इस देश में ना रहा जाए और देश छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 17 मार्च तक बकाया भुगतान देने का आदेश दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। बता दें, शुक्रवार को डॉक्टर कफील खान जमानत पर रिहा होने वाले थे, लेकिन रासुका लगने से उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। पुलवामा हमले को लेकर आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए ट्विटर पर 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज हम जब पुलवामा हमले के 40 सीआरपीएफ शहीदों को याद कर रहे हैं, तो आइए पूछें, सबसे पहला सवाल, हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? दूसरा, हमले की जांच में क्या निकला? और तीसरा, सुरक्षा में चूक के लिए बीजेपी सरकार में किसे जिम्मेदार ठहराया गया जिसकी वजह से हमला हो पाया? राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को लेकर जो 3 सवाल पूछे हैं, उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि गांधी परिवार फायदे से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। तो जीवीएल नरसिम्हा ने राहुल को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बताया है। आम आदमी पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को लगातार तीसरी बार दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर टांग अड़ाई है। पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बेशर्त समर्थन देने का वादा भी किया। इसके साथ ही एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका का पीस प्लान दरअसल आक्रमणकारी नियत है। उन्होंने कहा कि जहां भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहां मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी विनय कुमार की याचिका खारिज कर दी है। विनय कुमार ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें दया याचिका खारिज करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है। निर्भया मामले में दोषी को अलग अलग फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भानुमति बेहोश हो गई, जिसके बाद वो सुनवाई को बीच में छोड़कर ही चली गई। कहा जा रहा है कि उनको बुखार भी है और उनका रक्तचाप भी बढ़ा हुआ था। अब मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।